हेलो बच्चे, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। बच्चे आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 से हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट क्लास में बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो का क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उन वीडियो को ज़रूर पढ़ लीजिए। तो और ये जो हम एक्सरसाइज 3.3 है, ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। और बच्चे हमने इसमें तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स बताया था। एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी डेसिमल को 10, 100, 1000 यानी 1 पे जो कितने भी जीरो हो गए ना, उससे नंबर से आपको डिवाइड करना। दूसरी कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी डेसिमल है तो डेसिमल को अगर हम कोई भी होल नंबर से कैसे डिवाइड करते थे, ठीक है, उनका भी कॉन्सेप्ट बताया था। और थर्ड टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये सारे तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इससे पहले का वीडियो में, लास्ट के दो वीडियो गया था उसमें। तो आप वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चे। तो चलो क्वेश्चन नंबर जो है 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.45, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो बच्चे ये जो है 0.45, ये आपका क्या है, ये एक तरह का ये डेसिमल है, आप देख रहे हैं ना, ये डेसिमल है और ये क्या है, होल नंबर है, इसको बोलेंगे डेसिमल है। ये डेसिमल्स है और डेसिमल है और ये होल नंबर है। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड बताए थे उसमें यही बताए थे कि डेसिमल को अगर अगर एक हो और उसमें होल नंबर से कैसे डिवाइड करते, वही सेम रूल को हम यहाँ यूज करेंगे। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर 9, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, आपको 9 से डिवाइड करेंगे 0.45 में, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे 0 में, तो क्या 0 में 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो कौन सा नंबर से ऐसा डिवाइड करोगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 बैठाते हैं, तो 0 9 0 हो गया भाई, 0 यहाँ 0 देंगे तो 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 होगा। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 0 चला गया, कितना बचा, 0 यानी 0 हो गया, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी डिजिट यहाँ पर जैसे ही उतार यहाँ पर लिखेंगे, उससे पहले पॉइंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पॉइंट दिया, अब ये डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों ये बताओ कि 4 में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 से 4 में डिवीजन हो नहीं रहा है, तो मुझे फिर एक डिजिट और यहाँ से लिखनी पड़ेगी। तो ये 5 को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब 9 का टेबल पर हो कितनी बार में आएगी, 45, तो 9 1 9 और 9 2 18, इसी तरह से 9 5 45 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5, ठीक है। तो आपका जो है सॉरी, एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चे कि जब हमने यहाँ पर 5 लिखा तो 10 आपको यहाँ पे और देनी पड़ेगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 5 5 क्या होगा, 45, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है, ये तो 0 ही रह गया। तो यही आपका डिवीजन करके आंसर हो जाएगा बच्चे, कितना आपका 0.05, ठीक है बच्चे। और इसको आंसर भी मैच करेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का जो फर्स्ट है 0.05 आपका ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब चलो क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, ये भी आपका डेसिमल है और ये क्या है बच्चे, ये होल नंबर है, होल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो मैं लिखूँगा 18 और इस तरह से डिवाइड करना है, कितना 217.44, यही है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहला है 18 1 18, ठीक है, 3 रिमाइंडर हो गया। अब क्या करना है, ये 7 यहाँ पे लिखना है, 18 2 13 6, तो आपके 1 रिमाइंडर हुआ। अब हम क्या हो रहा है कि इसमें अगर डिवाइड करेंगे 1 में तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है बच्चे। तो इस पर क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बैठाऊँगा, अब या करके ये 4 यहाँ आएगा। अभी देखो डिवीजन हो पा रहा है, 18 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा, जब डिवीजन नहीं होगा तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फिर से डिवाइड करने के लिए आपको ये डिजिट लेनी पड़ेगी, और जब ये डिजिट लोगे बच्चे तो यहाँ पे बैठानी पड़ेगी 0, तो जब 0 बैठाएंगे तो ये डिजिट फिर होगा,
क्योंकि होता क्या है कि जब ये डिजिट देने के बाद अगर आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो दूसरी डिजिट फिर अगर लिखते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पे जीरो बैठाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, जीरो बैठा दिया। अब जीरो बैठाया तो अब देखो 18 को टेबल पर ही है और कितनी टाइम्स में आपका जो है 144 होगा। ठीक है, तो 18 का 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 जा 64 का 4, 8 1 जा 8 और 6 तो 14 हो जाएगा। तो यानी इसको 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 144 यहाँ पे, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका 00 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चे, 12.08 यही हो गया इसका डिवीजन। ठीक है बच्चे, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करनी है। ठीक है, इसको लिख लिया, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो देखो ये क्या है, ये डेसिमल है और ये भी आपका क्या है, डेसिमल है, दोनों डेसिमल है। तो हमने क्या बताया था, जब डेसिमल का डेसिमल से डिवाइड करना हो तो उसका हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बताया था हमने। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 वाला हम यूज करके और अभी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। तो हम डेसिमल बाय डेसिमल मतलब 319.2 आर डिवाइडेड बाय 2.28। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 319। देखो बच्चे ऐसे करते हैं हम लोग, 319.2 बाय 2.28 यही है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 बैठा दो। नीचे वाले है तो उसके लिए ऊपर हो, और ऊपर वाले पॉइंट हटाना तो नीचे ये काम करेंगे। तो नीचे क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 दे दिया मैंने। अब इस पॉइंट को हटा दो, अब ये हो गया। अब सिंपली इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व करनी है। तो सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं 2 के टेबल को पढ़ूंगा। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, फिर 1 2 1 जा और 2 हो गया और 1 बचा और 1 1 तो फिर 11 हुआ, 2 5 जा तो 10, फिर 1 हो गया, 1 पे 9 तो 2 9 जा, फिर 1 2 6 जा। ठीक है बच्चे, फिर चलो 2 से डिवाइड फिर करना है तो 2 5 जा और 2 7 जा, 2 से 2 जो है 7 जा, 2 9 जा, 2 8 जा। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड करके क्या 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 2 जा 6 और 3 6 हाँ हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 और 3 से 19। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 19 का टेबल पर हो, 19 1 जा 19 कितने बच गए, आपके बच गए 7। हाँ ठीक है, 19 1 जा 19 और 7 4 जा, यानी आपके कितने हो गए। अब देखो यहाँ पे ऊपर बच गया 14 और ये 0 0 कैंसिल कर दो, 10 10 जा होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 14 × 10 बाय 1 × 1 10 1 जा 1 तो क्या होगा, 140 बाय 1 और 140 बाय आपका 1 जो है आपका 140 बाय 1 को आप लिख सकते हैं 140, यही आंसर होगा बच्चे इसका, इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 140 आ गया इसका कैलकुलेशन यानी कटिंग करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक देख लिया 4 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 4 से स्टार्ट करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट है ये भी तो आपका डेसिमल है और ये वाला भी तो डेसिमल है, दोनों तो डेसिमल का है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना होता है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो डेसिमल से बाय डेसिमल करेंगे पहले,
इसको लिख देंगे हम, और इसको क्या करेंगे, इनको यहाँ पॉइंट हटा के ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले पॉइंट हटा के नीचे लिखेंगे और उसको कटिंग करके और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे और हो गया आंसर। वो ये हमने बताया था डेसिमल वाले जो जो भी होगा। और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों एक ही टाइप का है ना, सारा डेसिमल, इधर भी ये भी डेसिमल और ये भी डेसिमल, ठीक है। तो यही काम करना बच्चे। तो अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको हम क्या करेंगे, 4032 यहाँ पे है 9.6। अब बच्चे क्या करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 और 2, तो 2 0 दे दो, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट के बदले नीचे है ना, तो उसके लिए ऊपर करेंगे हम 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 दे दिया हमने, क्योंकि इसके एक डिजिट में राइट साइड में है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पॉइंट को हटा देंगे। तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो आपका ये बन गया ये, इसको इस तरह से लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से पहले सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से 4 से, इस तरह से, ऐसा एकदम सा नहीं काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फिर गलत होने की संभावना बढ़ता है। तो बच्चे हम सबसे पहले 2 से कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 20 और 2 1 जा और 2 जो है 6 जा। फिर बच्चे क्या करेंगे हम, इसको 0 0 8, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा 24। फिर जो है इसको देखो सिंप्लीफाई करो, इसको 5 5 0 4 और इसका 12, ठीक है। फिर जो है सो डायरेक्ट जो है सो 2 से कर लो, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 2 2 जा और 2 6 जा, ठीक है। अब 6 इसको फिर सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 2 जा और 2 6 जा और 2 से 3। अब 3 के टेबल पर हो तो 3 4 जा और 3 2 जा, ठीक है, 3 1 जा। तो यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, जो 42, अब नीचे में क्या आ रहा है 10। अब हमें क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये कटेगा देखो, ठीक है, इसको फिर कटिंग करो, ठीक है। कटिंग नहीं करना है इसको, इसको ऐसे ही रखो, क्यों कि आपको हम बताए थे जब नीचे डिवीजन में 10 100 हो तो ऐसे चीज़ों को कटिंग नहीं करके सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो 1 पे कितना 0 है, 1 ही 0 है, 1 पे 1 0 है, तो इधर से 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4.2। आ गया समझ में, ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं कि पॉइंट वाले जो है कैसे शिफ्ट होता है, नीचे 10 हो 100 हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट 1 0 है नीचे 1 पे, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 0 होता है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था कई सारे क्वेश्चन इसमें, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 5th सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला भी आपका पार्ट जो है ना डेसिमल है, और ये वाला भी पार्ट जो है आपका डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल है, ठीक है। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, जब तो बच्चे दोनों ये भी डेसिमल है ये भी डेसिमल है, तो डेसिमल का डिवीजन कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा डिवीजन के फॉर्म में पहले 0.765 बाय 0.9, इसी तरह से लिखेंगे ना। अब क्या होगा कि ये पॉइंट को हटानी है हमें, तो मैं इसको एक बार और लिखूँगा 0.765 बाय 0.9। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा दिए तो इसके लिए 1 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 0 दे दिया। अब इस पॉइंट को हटाए तो यहाँ पे 1 और 1 डिजिट है तो 1 0 दे दिया। अब इस सबको भूल जाइए, सबको हटा दीजिए अब 0 को, अब यही सब बच गया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखिए 9 का टेबल पढ़िए, अगर सिंप्लीफाई अगर करनी है तो 9 8 जा 72 होगा, तो 9 का डायरेक्ट टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, अब कितना हो गया 4, अब 4 पे 5 तो 45, 9 5 जा 45, ठीक है। और ये जीरो कैंसिल हो गया बच्चे, तो आपका क्या हो गया 85/100 हो गया। कटिंग नहीं करना, नीचे कोशिश ये रखना है कि 10 हो 100 हो 1000 हो बचा कर रखो, ताकि उसको सिर्फ क्या होगा कि पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा,
ठीक है बच्चे। तो अब हमें क्या करना है, 20 है ना, तो पॉइंट को दो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है, तो 0.85 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ हो गया और क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। अब बच्चे हम ना क्वेश्चन नंबर जो है आपको सिक्स नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, फोर का। सिक्स वाले जो क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 0.768 बाय 1.6, यही है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये भी तो डेसिमल है और ये भी डेसिमल है, तो डेसिमल का डिवीजन तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.768 अब बाय 1.6 लिखा, इस पॉइंट को हटा दिए, तो पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट इसको हटा दिए तो 1 और 3 डिजिट दे दिया, 30 है। इस पॉइंट को हटा दिए तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 आएगा क्योंकि एक डिजिट है राइट सर। अब इस पॉइंट को भूल जाइए, तो यहाँ पे देखो 0 का कोई महत्व नहीं है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 10 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से 2 से करो, 28 जा, 23 जा और 28 जा और 2 जो है 4 जा, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 21 जा और 29 जा और 22 जा। फिर यहाँ हो जाएगा 2, 2 से क्या होगा 29 और 26। फिर यहाँ होगा 21 जा, यहाँ हो जाएगा 48। तो बच्चे कितने हो गए आपके, जो हो जाएंगे आपका 48 अब बाय 100। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, नीचे देखो 100 है ना, तो 20 है, तो पॉइंट को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दो, तो 0.48 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ भी कह रहा है आपको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है यहाँ भी, और आपको डिवाइड करनी है। इस क्वेश्चन में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ भी डिया दे दो। और डिवाइड कैसे करना है, तो देखो ये डेसिमल है, इधर वाला आपका डेसिमल हो गया, ये वाला आपका डेसिमल हो गया, और इधर वाला बच्चे क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो इस तरह का डिवीजन कैसे करते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 16.64 इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करेंगे। जब एक होल नंबर हो और एक डेसिमल हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, जब दोनों आपका डेसिमल होगा तो डिवाइड वाला फॉर्म ऊपर नीचे वाला हम अपनाएंगे, ठीक है। और जब नीचे 10, 100, 1000 हो उस केस में बच्चे हम सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो लॉन्ग डिवीजन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 से 16 में, डिवीजन नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ 0 दूंगा, 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 00 लिखूंगा, ठीक है बच्चे। अब देखो डिवाइड करने के बाद 16 हो गया, अब हम क्या करें, डिवीजन नहीं लग रहा है, कोई नंबर चाहिए, उससे पहले आगे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा, फिर मैं लिखूंगा 6। अब देखो यहाँ पे कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 8 टाइम्स में, तो मैं लिखूंगा 8, ठीक है, 8 लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 160। अब बच्चे यहाँ पर 6 और ये तो आपका 0 बच गया, इसको कटिंग कर लो, ठीक है। अब 0 बच गया तो इसको बच्चे जनरली ना कोशिश करना है कि आपको एक सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको ऐसे लिखने का, मतलब अच्छा लगेगा देखने में तब, ठीक है। तो यहाँ 6 है, अब 6 के बाद जो है बच्चे हमें ये 4 लेनी है, तो 4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब 4 ले लिया तो 23 जा 60, अब क्या बच गया 4। अब 4 आगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे तो डिजिट है नहीं, तो जब डिजिट नहीं है तो खुद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सो एक 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो जब 0 यहाँ बैठाएंगे तो कितनी बार में, 2 टाइम्स में 40, तो आपका ये जो है ये 0 में से 0 ये भी नहीं रहा, रिमाइंडर बचा ही नहीं, ठीक है। आप 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह से लिखते हैं कि इससे पता चल जाएगा कुछ बचा नहीं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा रिमाइंडर कितना हुआ, तो आप अगर ये इससे अगर आप दुखी है तो आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो यही आपका आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो इसको करके डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी देखो ये डेसिमल है और ये होल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूँगा, तो मैं लिखूँगा 0.192। अब देखो 0 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, ठीक है। अब बच्चे कितना बच गया, 1, और इधर 1 में नहीं लगेगा, पहले पॉइंट दे दो, 1 में डिवीजन नहीं लगेगा,
तो फिर एक और हमें यहाँ पे डिजिट लेनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा क्या, वन जा, ठीक है। लेकिन एक डिजिट लिया था ना हमने, वन लिया, उसके बाद नाइन लिया, तो एक जीरो और बैठाना पड़ेगा। फिर जो है ट्वेल्व, वन जा ट्वेल्व, तो आपका हो गया सेवन। अब हम ये टू रखेंगे इस पर और सेवन जो है आपका सिक्स जा, ठीक है, आपका कितना होगा 72। और आपको यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो आपका आंसर यही हो गया 0.016। ठीक है बच्चे, चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ भी देखो ये डेसिमल है, ये होल नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे हम जो होल नंबर है इससे डिवाइड करूँगा मैं 163.44 में। तो सबसे पहले तो मैं इसको देखो कितने टाइम्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो 24 को 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 6 टाइम में कितना होगा, तो 6 × 4 = 24 और 6 × 2 = 12 और 2 = 14 हो गया। अगर वो 7 टाइम्स में लोगे ना बच्चे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा वो, तो लगेगा नहीं डिवाइड, तो इसलिए करके अब यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कितने होंगे 9 और इसमें 5 में से 4 चला गया 1, इधर तो आपका कुछ भी बनने बचा। अब यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा, पॉइंट के बाद ये 4 लिखूंगा मैं। अब 4 लिखने के बाद इसको 24 × 8 जा, देखो 25 × 8 = 200 होता, तो 24 × 8 जा, ठीक है। तो 8 जा कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 और 8 × 2 = 16 19, ठीक है 3। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये 4 हम यहाँ पे लिखेंगे फिर, ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा। अब हम यहाँ पे 4 से 24 1 जा, ठीक है, तो हमारा जो है 24 हो गया। यहाँ पे यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करो 0 0, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट, तो आपके आंसर यही हो गया 6.81। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का तीनों पार्ट डिस्कस कर दिया मैंने। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 मैं अब डिवाइड डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है ये, इसमें कह रहा है कि 403.2 है उसको 96 से डिवाइड करना है। तो बच्चे इधर वाला तो डेसिमल है और ये होल नंबर है, तो इसको बस सिर्फ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बनाने का कोशिश करेंगे, बहुत इजीली हो जाता है काम, ठीक है। आप बाकी आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारे मेथड सही है, लेकिन जो कोशिश आप ये करें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने का। देखिए यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन यूज होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, सारे जगह यही होगा यूज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चे मैं यहाँ पर 96 से डिवाइड करना है किसना को, 403.2 को, ठीक है। तो 96 का टेबल पढ़ना है, तो 96 का बच्चों देखो ये 100 के करीब है, तो 100 के करीब है तो 104 जा क्या होगा, 400 होगा ना, तो ये 400 से नीचे है भाई, ये 96 तो 400 से कम है, तो 4 का टेबल में ये आ सकता है। तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा और इसको 6 × 4 = 24 और 9 × 4 = 36 और 2 = 38 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर कितने हो गए 9 हो गया और इधर 9 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या है कि अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगला डिजिट हम तभी लेंगे जब यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको यहाँ पॉइंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया, अब ये डिजिट हम ले सकते हैं। अब हम इसे कितनी टाइम्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो अब आपको देखो 96 जो है 200 के आसपास है, तो 96 बच्चे 200 के आसपास है और ये भी 200 के आसपास है, तो 96 टू जा ले लो, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो 6 × 2 = 12 अब उसके बाद 9 × 2 = 18 1 = 19, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0 0, तो यही बच्चे आपका जो आंसर हो गया यही हो गया 4.2 हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि डेसिमल में आएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 12 से डिवाइड करना है 16.344,
यही है ना। तो 12 जो है 12 वन जा, ठीक है 12 वन जा 12, 4 रिमाइंडर हुआ। अब मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पे पहले देंगे तभी तो ये डिजिट लेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से डिजिट ले लिया। अब 12 जो है 3 जा, तो 12 3 जा कितना होगा 36। अब हमें कितना बचा 7, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ से 4 लिया, ठीक है, और 6 टाइम 12 6 जा 72, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 72, तो कितने बचे 2। अब आप यहाँ पे 4 ले लो और 12 2 जा 24, ठीक है, यहाँ पे 24, तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना और आपका आंसर हो गया 1.362। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी ना कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये लार्ज नंबर थोड़ी सी बड़ी नंबर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे तो जरूर हम इसको बना लेंगे। तो 228 से डिवाइड करना है 31.92 को। अब बच्चे इसको सॉल्व करने से पहले देखो 228 से पॉइंट के इधर वाला डिजिट क्या है 31 है, तो 31 में अगर आप जो है डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरो के टर्म में लगाएंगे, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर आएगा जीरो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 आ गया। अब 31 जैसे आया अब उसके बाद हम पॉइंट है तभी उसके बाद नंबर है, वो नंबर तभी ले सकते हैं जो पॉइंट को पहले देखना पड़ेगा। जब हम पॉइंट के बाद वाला नंबर लेते हैं ना तो यहाँ पॉइंट देते हैं, फिर हम लिख ले रखा 9। अब जो है अब देखो यहाँ पे ये लगभग 225 के आसपास है, इसको डबल करोगे तो 450 के आसपास चला जाएगा जो सबकी कम है, तो ये 1 टाइम्स में ले लो, 1 टाइम्स में हमने ले लिया, तो 228, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो 1 इधर हो गया 9, ठीक है, तो ये 91 हो गया बच्चे। अब 91 हो गया तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगला डिजिट फिर मैं यहाँ लिखूँगा, तो अगला डिजिट क्या है आपका 2 है। अब हम कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे, अब हम इसको देखो ये 1000 के आसपास है, तो देखो 225 के आसपास है तो 4 टाइम्स ले लो, तो 4 टाइम्स मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, तो 4 टाइम में क्या हो 82 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 और 3 11 और 4 2 जा 8 9, ठीक है, और इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 0, और आपका आंसर यही हो जाएगा 0.14। तो बच्चे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हमने 4 और 5 डिस्कस किया जिस तरह से, इसी तरह से क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना क्वेश्चन 2 एक क्वेश्चन जो 4 नंबर है उस पर 6 पार्ट था, अब 5th में भी 6 है तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, करिए।